lost your mother. Yeah. Please tell us about it. Kya hua and how are you dealing with it? My mother was my biggest, still is, inspiration. She was the one who encouraged me, motivated me, and जो हूँ मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ और मेरी माँ का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है. हम दोनों साथ में ही रहते थे. शी वॉज अ कैंसर पेशेंट. सो आई कुडंट सेव माई मदर, बट या जब तक थी तब तक मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट था. पर अब मुझे यही नहीं पता कि आगे उनके बिना मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी. सो ये एक ऐसा लॉस है कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती. इट्स अनएक्सप्रेसिबल. इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम व्हेन आई थिंक अबाउट हर. बट कुछ महीने पहले वो जब हम दोनों बात करते थे, मैं और मम्मी, मम्मी मुझे यही बोलती थी कि देख बेटा, मैं तो तेरे साथ रहना चाहती हूँ. अपने शरीर से हार मान गई बस मैं. आत्मा तो मेरी रहना चाहती है और मैं हमेशा रहूँगी. वो बोल के जाती थी मुझे, मतलब बोल के गई है कि तुझे फील ही नहीं होगा कि आई एम नॉट देयर. और अभी भी व्हेन आई गो बैक टू होम, ट्रस्ट मी, आप मुझे पहले पूछ रहे थे ना द गॉड एंड द एक्सपीरियंस द डिवाइन, ये वही डिवाइन एक्सपीरियंस है. एवरी मोमेंट आई फील माई मदर. And I ask her questions here and she answers me back. मतलब I feel her every, मतलब ये जो DNA everything is of my mother. The every कण कण में वो है. और जो कहते हैं ना जो कण कण, वो मैं अब बता सकती हूँ अपनी ऑडियंस को. ये सच है कि भगवान हो या माँ बाप, आप उनको फील कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर आप उन्हें दिल और अपनी आत्मा में साथ रखें. और मुझे नहीं पता आगे की जर्नी क्या होने वाली है उनके बिना, बट आई होप उनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहे. रिलेशनशिप डिस्क्राइब कीजिए आपका आपकी मदर के साथ. Beautiful, best friends. We used to fight, we used to love each other, but we couldn't stay away from each other. You also lost your dad. Yeah. A few years ago. 12 years back. So, एक किसी भी इंसान के लिए माँ-बाप का साया होना मतलब एक बहुत important चीज़ होती है. हम चाहते हैं कि एक एक कुछ भी नहीं करे वो, तो एक लगता है कि हाँ कोई तो है जो मेरे लिए है. Yeah. आज मम्मी और पापा दोनों नहीं हैं. तो कौन है वो सपोर्ट सिस्टम आपकी जिंदगी में? माई सेल्फ आकृति. दिस इज दैट फेज ऑफ लाइफ दैट आई हैव टू डील विद इट ऑल अलोन, ऑल अलोन विद फ्यू फ्रेंड्स सपोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट. बट वो एक्सटीरियर सपोर्ट वो इंटरनल सपोर्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता. सो बहुत मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है. अब मुझे एक्चुअली समझ में आया कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ कि मैं ये झेल गई सबसे बड़ा दुख दुनिया का. सो अब मुझे दुख दुख दे नहीं पाता, खुशी ज़्यादा खुशी दे नहीं पाती. सो आई एम वेरी न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड राइट नाउ, यू नो. ऊपर से इतनी खुशी खुशी दिख रही है बट अंदर से आई कैन सी पेन इन योर आईज. या आई मीन व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, यस. और बाकी मैं किसी पेन को अपने आप को छूने नहीं देती क्योंकि इससे बड़ा पेन क्या है. और इससे बड़ा पेन तो कोई पेन इस पूरे इंसिडेंट ने क्या आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट डाला? या डेफिनेटली. आई वाज ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड, आई हैड टू क्राई एवरी डे. Then I was wondering ki what's the point if I cry, because life and time is not going to stop for you. Aur yahi mere maa baap mujhe samjhate the. Mom 10 saal se mujhe yahi samjhati rahi ki mujhe cancer hai, please samajh is baat ko, kuch bhi kabhi bhi ho sakta hai. To main unko pata kya bolti thi, maine kaha aapko to yamraj se bhi chheen ke le aungi. Doctor ne mujhe 10 saal pehle bola tha ki tumhari maa 2 saal se zyada survive nahi karegi. Aur maine doctor ko aankhon mein dekh ke bola tha ki dekhte hain. Maine apni maa ko 12 saal aage khincha hai. मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी. वही मुझे बोलती थी क्यों मुझे इतना तू इट्स लाइक माँ हो यार आप मेरी. आई मीन लुक एट यू, माई बेस्ट फ्रेंड. तो जितना वक्त था उतना ब्यूटीफुल था. सो आपके पास पेट भी है? हाँ, ग्लोरिया. टेल अस अबाउट हर. ओ, शी इज माय डॉटर एंड शी इज अ लव ऑफ माय लाइफ. आई थिंक शी इज द वन बिकॉज ऑफ दैट मैं थोड़ी बैलेंस्ड और कंटेंट, यू नो, आफ्टर मॉम. एक बार बताइए हमारी ऑडियंस को कौन है ग्लोरिया. ग्लोरिया इज माय पेट डॉटर एंड आई लव हर एंड शी लव्स मी एंड शी इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ. इट्स अ कैट. यू नो, इट्स वेरी पर्सनल बट आई विल टेल यू. व्हेन माय मॉम पास्ड अवे एंड ऑल द रिलेटिव्स, व्हेन एल्डर सिस्टर्स, दे ऑल हैड गॉन बिकॉज़ दे ऑल आर मैरिड. तो आई वाज लेफ्ट विद अलोन विद माय मॉम, मॉम्स अस्थियां एंड माय कैट. And I had to go to Rishikesh to do the Asthi Visarjan. So I had mom in my front, Gloria on my back, and I was alone in Rishikesh carrying my daughter and my mother. And I went on a flight akele. Sab kuch maine akele kiya hai. Apni maa ko vida kiya hai, apni meri beti ko peeche rakhkar. To bahut challenging tha wo. Bahut challenging tha.
माय गॉड, आई कैन ओनली इमेजिन किस सिचुएशन से आपने फेस किया होगा उस टाइम पे. व्हाट गेव यू द करेज टू डू ऑल दिस, वो भी अकेले? इवन द फ्लाइट अटेंडेंट्स वर शी वाज आस्किंग कि मैम, तो आई टोल्ड देम दैट एयर हॉस्टेस स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी. मैम आर यू ओके? आई वाज लाइक आई एम ओके, आई एम ओके. क्या बोलूँ मैं, जो मन का गम है उसको आंसुओं से तो नहीं दिखा सकती. तो मैंने काफ़ी स्ट्रेंथ से दोनों को साथ में, एक जानवर और एक इंसान जो है नहीं, उसको साथ में लेकर सब कुछ किया. आश्रम में गई, अपनी माँ की पूजा कराई. एक महीने तक मैं ऋषिकेश में ही थी, बिकॉज आई डिडंट वांट टू कम बैक होम. व्हाट शुड आई कम बैक होम टू?